हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, आई होप अच्छे होगे। तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। बच्चे मैं बता दूं, बड़ी कशमकश से जिंदगी हो गई है। इस समय समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, और हकीकत बताऊं तो समझ में आए भी कैसे। हमारा फ्यूचर, हमारा करियर आज एक ऐसे पड़ाव पर है जहां हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जाएगा कहां। जो जिस पैंडेमिक सिचुएशन, जिस दौर से हम लोग अभी गुजर रहे हैं ना डियर, सच बता दूं ये बहुत ही पेनफुल है। और सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, मतलब छोटे से जीव जंतु से लेकर बड़े बड़े आदमी तक की बात मैं कर रहा हूं, सबके लिए पेनफुल है। लेकिन हाँ, हकीकत कहूं तो इसमें पिस कौन रहा है? इसमें पिस रहा है हमारा वो स्टूडेंट जो हमारे इसी कंट्री का फ्यूचर होगा, हमारा वो टीचर जो इन बच्चों की बेहतर फ्यूचर के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है। और आज देखो, सबसे पैंडेमिक सिचुएशन में वो दोनों जी रहे हैं। एक वो जो आधार है और एक जिन आधार के बेसिस पर पूरी कायनात खड़ी होनी, वो दोनों इस समय अधर में है। नो डाउट अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है, बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन क्या हम इससे फिर से उबर आ पाएंगे? हाँ, अगर मैं कहूं तो उबरेगा। और हम सब अपनी इस बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को, बिगड़ी हुई कायनात को फिर से सुधारने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं ये जिम्मा या हम जैसे टीचरों पर या आप जैसे होनहार बच्चों पर है निर्भर। अब बच्चे कुछ ये सोच रहे हैं, सर हम तो खुद ही अपनी फ्यूचर को लेकर अभी बहुत उलझनों में हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो मेरे बच्चे, मैं मानता हूं आपकी बात, आप कहीं ना कहीं एक नहीं 101% सत्य हैं अपनी जगह पे। लेकिन मेरे बच्चे, कहते हैं समस्याओं से लड़कर जो निकला है वही सिकंदर कहलाया है। समस्या आएंगी, बिल्कुल आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि जिंदगी समस्या के बिना भी अधूरी है मेरे बच्चों। समस्याएं मुझे मुसीबत से लड़ना सिखाती हैं। समस्याएं ये बताती हैं कि जिंदगी में किस किस फेस से गुजरना पड़ सकता है। तो इनका आना भी हमारे लिए एक पॉजिटिव वे में, अगर मैं लूं तो इनका आना भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे आपको सभी को पता है, ये छोटे छोटे एग्जांपल आप सभी को पता है, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर हम करेले का जूस पिए और अगर हम नीम के पत्तियों का जूस पिए तो कड़वा बहुत है, लेकिन फायदे एक नहीं 1000 है। तो वैसे ही बच्चे, ये विपत्तियां ये उन्हीं कड़वे नीम के पत्ते जैसे या करेले के जूस के जैसे हैं जो हमारे आने वाले फ्यूचर में हमें रोगमुक्त कर सकते हैं। ये हमें आगे की विपदाओं से लड़ने के लिए, ये हमें एक, पता है, एक इंटरनल पावर सप्लाई करते हैं और एक विलिंग पावर स्ट्रांग होती है इन सब चीजों से। तो मेरे बच्चे, आप सभी को इस पैंडेमिक सिचुएशन से बाहर निकलना है। आपको अपने दिमाग को स्थिर रख के पढ़ाई पे लगाना होगा। मुझे, मैं बता दूं बच्चे, दुनिया में ढेर सारी अफवाहें फैल रही हैं, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में बच्चे ढेर सारी अफवाहें फैल रही हैं, अलग अलग तरीके के। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ढेर सारी समस्याएं भी मेरे सामने खड़ी होंगी, लेकिन हम ही को लड़ना भी होगा। कोई और नहीं आएगा इससे लड़ने वाला, कोई और नहीं आएगा इसे सुलझाने वाला, कोई और नहीं आएगा इसे सुव्यवस्थित करने वाला, हम ही को करना होगा ये सारी चीजें मेरे बच्चों। तो माय डियर, मैं स्टूडेंट, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक बात करता हूं, कहता हूं, जो भी करना है अभी करना होगा। हम सभी को थोड़ा सा स्थिर मन से इस पैंडेमिक सिचुएशन से लड़ते हुए, आप सभी को मैं कहूंगा बेटे, जी जान लगा के डॉक्टर बनना है। और आने वाली इन फ्यूचर अगर कभी ऐसी कोई समस्या, विपदा, आपदा आ पड़ती है तो आप सभी को आधार बनना होगा, आप सभी को खड़ा होना पड़ेगा।
जैसे आज हमारे देश के होनहार डॉक्टर्स कर रहे हैं मेरे बच्चों। माय डियर, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना समझाने के लिए आज आया हूँ बेटे कि ये लड़ाइयों का दौर हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है और आपको हार नहीं माननी है। एग्जाम होते रहेंगे, मार्क्स कम ज्यादा आते रहेंगे, लेकिन ये हमारा करियर, ये हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। और आपको ऐसे एक नहीं एक हजार एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जो जरूरी नहीं कि आईटीएन हुए हैं, मेडिकल एस्पिरेंट्स हुए हैं, या कह सकते हो कि मेडिकल सिलेक्टेड डॉक्टर्स हुए हैं, लेकिन फिर भी आज वो उन्होंने बहुत बड़ा नाम खड़ा किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत, लगन और ताकत की बदौलत। तो आप भी कर सकते हो। और मेरे बच्चों, बिल्कुल हार नहीं माननी है, लड़े के काम करना है, और हमें पता है आप जीतोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो हुनर है, आपके अंदर वो जज्बा है कुछ कर दिखाने का। तो मेरे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। ये पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना बेटे, जो आपको बहुत ऊपर पहुंचा देगी। मतलब आप अपनी पढ़ाई के बदौलत कुछ भी कर सकते हो। समय समय कहता है कि बस तुम मेरी तो कीमत करो, हम तो तुम्हें इतना कीमती बना देंगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मेरे बच्चे, समय की कीमत समझो। ये समय, ये दौर जो भी गुजर रहा है, उसे पॉजिटिव वे में लो और कुछ अच्छा और कुछ बेहतर करने की कोशिश करो मेरे बच्चे। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बताने आया हूं। तो बिल्कुल मेरा बच्चा, परेशान नहीं होना है। ईश्वर आपके साथ है, आपके माँ बाप आपके साथ हैं, हम जैसे टीचर्स आपके साथ हैं, आपका कभी भी बुरा नहीं होगा। डिले हो सकता है, लेकिन कभी बुरा नहीं होता। कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत आज नहीं तो कल रंग जरूर लाती। तो प्लीज मेरे बच्चे, आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने दिल दिमाग पर बिल्कुल इन फर्जी की अफवाहों का असर पड़ने मत दीजिए। एग्जाम आपके जब होने होंगे हो जाएंगे, आप लीस्ट ड्यूरेशन मान के आप अपने प्रिपरेशन करते हो, बाकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम होंगे यार, फेल होना भी, फेल कलाम सर ने कहा है कि फेल होना भी एक नए युग का, एक नए युग के अवतरण का आगाह होता है। आप अगर फेल होते हो, आप बार बार गिरते हो, तो इसका मतलब है कि आप दौड़ने के लिए तैयार हो, प्रयासरत हो, और यही आज के युग में बहुत बड़ी बात है। सो प्लीज मेरे बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये वादा करिए आप सभी को, हमसे वादा करिए, खुद से वादा करिए, अपने आप से, कि जिस दिन यहां पे हाथ रखूं ना, तो खुद को यकीन हो, खुद को विश्वास हो कि हमारी मेहनत में कभी कोई कमी नहीं रह गई है। क्योंकि बच्चे, दिल की आवाज, दिल की बात सुनो। दुनिया वाले तो बोलते रहेंगे, दुनिया वाले बोलते रहेंगे, क्योंकि बेटे आज के लोगों की मेंटेलिटी पूरी की पूरी मेंटेलिटी बदल गई। हम सबको एक जैसा नहीं कर सकते, सबको एक जैसे सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, और हकीकत है, नहीं कर पाएंगे हम। तो प्लीज मेरे बच्चे, आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इन सब चीजों की वजह से आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये वादा कर लीजिए आप लोग। चलिए, माता रानी आप लोगों का कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।